हे गाइस वेलकम बैक टू वीडियोस। तो गाइस मान ली इस वीडियोस के अंदर में आज हम कंपेयर करने वाले हैं मोटो जी 14 फोन को रेडमी 12 5G फोन के साथ और जानेंगे दोनों फोन्स में कौन सा यहां पे फोन है वो जो कि यहां पे बेस्ट है और ये भी जानेंगे कि दोनों फोन में क्या क्या हमको सिमिलर फीचर देखने को मिले और दोनों फोन में हमको क्या क्या डिफरेंट फीचर देखने को मिले और इन डब्ल्यू वीडियो से हम ये जानेंगे कि दोनों में से कौन सा फोन है यहाँ पे बेस्ट है और कौन सा फोन को हमको लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट दोनों फोन को हम कंपेयर करते हैं। ओके गाइस तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं दोनों फोन्स के सबसे पहले बॉडी एंड डिजाइन के बीच कि दोनों में से किसका बॉडी एंड डिजाइन यहाँ पे बेहतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम बात करें मोटो जी 14 फोन की बॉडी एंड डिजाइन के बारे में। देखिए जो मोटो जी 14 फोन है वो जो कि फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड इसका थिकनेस आपको 7.9 mm का मिल जाता है एंड इसका वेट 177 ग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो यह फोन काफी लाइट वेट एंड कॉम्पैक्टेबल फोन है जो कि हैंड फील काफी अच्छा प्रोवाइड कर देता है लेकिन ओवरऑल इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। इसके ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इस फोन के अंदर में आपको IP52 का वाटर प्रोटेक्शन रेटिंग मिल जाते हैं एंड इस फोन के फ्रंट प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको पांडा ग्लास प्रोटेक्शन देखने मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं देखने मिलेगा। बट वहीं पे अगर आप देखते हैं Redmi 12 5G फोन के बॉडी एंड डिजाइन को तो यहाँ पे जो Redmi 12 5G फोन है वो जो कि क्रिस्टल ग्लास बैक डिजाइन के साथ आता है एंड इसका थिकनेस 8.1 mm मिलता है एंड इसका वेट 199 ग्राम आपको देखने मिलता है। यह भी एक लाइट वेट कॉम्पैक्टेबल फोन है एंड इसके बैक पे आपको ग्लास डिजाइन मिल जाता है जो कि थोड़ा सा प्रीमियमनेस फील कर देता है एंड इसके फ्रंट पैनल पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलते हैं एंड इस फोन के साथ आपको जो ड्यूरेबिलिटी मिलता है वो ये मिलता है कि इसके अंदर में आपको IP53 का वाटर प्रोटेक्शन रेटिंग मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बॉडी एंड डिजाइन बेहतर आपको देखने को मिलेगा वो Redmi 12 5G फोन के अंदर में देखने मिलेगा एज कम्पेयर टू Moto Z 14 के। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों फोन के डिस्प्ले के बीच के दोनों फोन्स में से किसका यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी हमें बेहतर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले Redmi 12 5G फोन के डिस्प्ले के फीचर्स की। तो यहाँ पे जो Redmi 12 5G फोन है वो जो कि आपको 6.79 इंचेस डिस्प्ले साइज के साथ देखने को मिलेगा एंड इसके अंदर जो डिस्प्ले टाइप मिलता है वो है फुल HD IPS LCD पैनल पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर में आपको 550 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको 1080x2460 पिक्सल का यहाँ पे आपको फुल HD रेजोल्यूशन मिलेगा प्लस इसके अंदर में आपको 90Hz मैक्सिमम रिफ्रेश रेट मिल जाएंगे एंड इस फोन के अंदर में आपको 16 मिलियन कलर्स यहाँ पे अवेलेबल किया जा रहा है। बट वहीं पर हम देखें Moto Z 14 फोन के डिस्प्ले को तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस का डिस्प्ले देखने मिलेगा और इसके टाइप की अगर हम बात करें तो यह IPS LCD पैनल पंच होल डिस्प्ले है। इसके अंदर में आपको अप्रोक्सीमेटली 400 निट्स पिक ब्राइटनेस मिल जाएंगे एंड इसके अंदर आपको फुल HD प्लस 1080x2400 पिक्सल्स रेजोल्यूशन मिलेंगे प्लस यहाँ पे आपको 60Hz का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलेंगे एंड इस फोन के अंदर में भी स्टिल 16 मिलियन कलर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर डिस्प्ले क्वालिटी को देखें रियल लाइफ में तो दोनों का ही डिस्प्ले क्वालिटी सही मिलता है लेकिन एज अ स्पेसिफिकेशन अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में से जो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे बेहतर देखने को मिलेगा वो यहाँ पे Redmi 12 5G फोन के अंदर में देखने को मिलेगा। बट अगर रियल लाइफ में हम देखें तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू Moto Z 14 फोन से बेहतर यहाँ पे Redmi 12 5G फोन के अंदर मिलेगा। बट अगर हम एज अ रियल देखें एज अ बजट को देख करके देखें तो यहाँ पे दोनों का क्वालिटी अपने अपने जगह पे सही है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में ज्यादा यहाँ पे मैं डिफरेंस नहीं कहूंगा, ऑल ओवर कहा जाए तो दोनों अपने अपने जगह पे सही है और दोनों का डिस्प्ले क्वालिटी सही है लेकिन यहाँ पे कंपेयर करें और यहाँ पे बेहतर सेलेक्ट करने की बात है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको Redmi 12 5G फोन के अंदर में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम कंपेयर करें दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस के बीच कि इन दोनों फोन्स में से किसका परफॉर्मेंस यहाँ पे बेहतर देखने को मिलेगा और अगर हम परफॉर्मेंस को टारगेट करते हैं तो इन दोनों फोन्स में से किस फोन के साथ हमको जाना चाहिए तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले Moto Z 14 फोन के परफॉर्मेंस के एंड देन उसके बाद हम बात करें Redmi 12 5G फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करें Moto Z 14 फोन के परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस की तो Moto Z 14 फोन के अंदर में आपको Android 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे जो कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और इन फ्यूचर इस फोन के अंदर में आपको Android 14 का भी अपडेट्स देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम प्रोसेसर की बात करें कि इस फोन के अंदर प्रोसेसर आपको कैसा देखने को मिलेगा तो इस फोन के अंदर में आपको Unisoc का Tiger T616 64 byte
पैनल ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा और यह प्रोसेसर 12 नैनोमीटर बेस्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। यह जो प्रोसेसर वो 12 नैनोमीटर बेस्ट है, इस कारण से यहाँ पे आपको कोई हीटिंग इशू और एनर्जी एफिशिएंसी और बैटरी ड्रैगन थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एंड इस प्रोसेसर के साथ आपको टोटल 8 कोर्स मिलेंगे, जिसमें 2 परफॉर्मेंस कोर है और 6 यहाँ पे आपको एफिशिएंसी कोर देखने को मिलेगा। जो परफॉर्मेंस कोर है उसके अंदर में आपको डबल कॉर्टेक्स A75 CPU कोर देखने को मिलेगा और इसको 2 GHz के मैक्स स्पीड पे लॉक किया गया है। एंड वहीं पे जो एफिशिएंसी कोर है इसके अंदर में आपको 6 कॉर्टेक्स A55 CPU कोर देखने को मिलेगा एंड इसको 1.8 GHz के बेस स्पीड पे लॉक किया गया। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर मिल रहा है वो आपको एज अ एवरेज देखने को मिल जा रहा है। एंड वही इसके ग्राफिक सपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो इस फोन के अंदर में आपको RMali G57 का यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिलेगा, जो कि सिंगल कोर ग्राफिक्स है एंड इस ग्राफिक्स कार्ड को 750 MHz की फ्रेक्वेंसी स्पीड पे लॉक किया गया है। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स है, इस ग्राफिक्स की मदद से आप यहाँ पे डिसेंट सा गेमिंग कर पाओगे, जैसे कि टेम्पल रन गेम हो गया, यानी जो नॉर्मल डिसेंट गेम होते हैं वही आप खेल पाओगे। यहाँ पे पबजी जैसे गेम को यहाँ पे प्ले नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे रैम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 4GB LPDDR4X बेस्ट रैम मिलेगा एंड अगर स्टोरेज की बात करें तो 128GB UFS 2.2 बेस्ट टेक्नोलॉजी स्टोरेज मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ मैंने इस फोन के अंदर बेंचमार्क को भी रन किया था, तो इस फोन के अंदर में मुझे गीक बेंच स्कोर सिंगल कोर पे 451 मिला एंड मल्टी कोर पे 1435 देखने को मिला। एंड इस फोन के अंदर में जो एंटूटू स्कोर निकला वो 2,86,000 करीब यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो इस फोन का परफॉर्मेंस है वो एक डिसेंट एंड एवरेज आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इस कारण से यहाँ पे आप डिसेंट सा गेमिंग कर पाओगे, क्योंकि यह जो प्रोसेसर है वो डिजाइन किया गया है सिर्फ डे टू डे लाइफ यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे आप डिसेंट सा गेमिंग एंड डे टू डे लाइफ अगर यूज के लिए फोन को लेते हैं तो उसके लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं Redmi 12 5G फोन के परफॉर्मेंस की, यहाँ पे आपको कैसा परफॉर्मेंस मिलता है, देखिए Redmi 12 5G फोन के अंदर में भी आपको Android 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे एंड इन फ्यूचर यहाँ पे भी आपको Android 14 का आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इस फोन के अंदर में आपको Snapdragon 4 Gen 2 का चिपसेट आपको देखने मिलेगा, जो कि लेटेस्ट 2023 का प्रोसेसर है। एंड यह जो प्रोसेसर है वो जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, इस कारण से यहाँ पे आपको हीटिंग इशू भी कम देखने को मिलेगा, बैटरी ड्रैगन भी कम देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छा बेहतर चीजें देखने को मिलेगा। हम आगे बात करें उससे पहले इस प्रोसेसर की अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो इस प्रोसेसर के अंदर में आपको टोटल 8 नंबर ऑफ कोर्स मिलेंगे, जिसमें 2 परफॉर्मेंस कोर और 8 एफिशिएंसी कोर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो परफॉर्मेंस कोर है उसके अंदर में डबल कॉर्टेक्स A78 CPU कोर देखने मिलेगा, जिसको 2.2 GHz के मैक्स स्पीड पे लॉक किया गया है। एंड यहाँ पे जो एफिशिएंसी कोर है इसके अंदर में 6 कॉर्टेक्स A55 CPU कोर देखने मिलता है एंड इसको 2.0 GHz के बेस स्पीड पे लॉक किया गया। अगर इस प्रोसेसर के साथ ग्राफिक सपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में आपको एड्रेनो 613 मॉडल का ग्राफिक्स मिलेगा, जिसको 955 MHz फ्रीक्वेंसी स्पीड पे लॉक किया गया। तो यहाँ पे प्रोसेसर और ग्राफिक्स काफी अच्छा मिल जाता है, इस कारण से यहाँ पे आप जो कि एज कम्पेयर टू मोटो Z14 फोन से काफी यहाँ पे बेहतर गेम प्ले कर पाओगे। इसके अंदर में रैम की अगर हम बात करें तो इस फोन के साथ 3 वेरिएंट रैम मिलता है, एक 4GB, दूसरा 6GB और तीसरा 8GB। तो जो वेरिएंट आपको पसंद है आप उसके साथ जा सकते हो। अगर स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर में आपको 128GB और 256GB 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, जो ऑप्शन आपको पसंद है उसके साथ आप जा सकते हैं। और ये जो स्टोरेज है वो जो कि बेस्ट है UFS 2.2 पे। इस फोन के अंदर में भी मैंने बेंचमार्क को रन किया तो यहाँ पे गीक बेंच स्कोर सिंगल कोर पे 902 मिला एंड मल्टी कोर पे 2084 देखने को मिला। एंड इसी के साथ इस फोन के अंदर जो एंटूटू स्कोर निकलता है वो भी काफी यहाँ पे आपको बेहतर देखने मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4,40,000 के करीब यहाँ पे आपको एंटूटू स्कोर देखने मिल जाएगा इस फोन के अंदर में। तो इस फोन के अंदर में जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो जो कि एज कम्पेयर टू मोटो Z14 फोन से काफी यहाँ पे बेहतर देखने मिलेगा। तो यह फोन अगर आप लेते हो डे टू डे लाइफ यूजर्स के लिए, प्लस यहाँ पे आप कभी कभी गेमिंग भी खेलना चाहते हो या फिर रेगुलर बेसिस पे गेमिंग खेलना चाहते हो, थोड़ा सा यहाँ पे बिगिनर लेवल का गेमिंग खेलना चाहते हो, BGMI को भी रन करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यह प्रोसेसर आपके लिए काफी अच्छा है। इस फोन के अंदर में आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू मोटो Z14 फोन के। इसके बाद अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों फोन्स के बैटरी एंड चार्जिंग के बीच, यहाँ पे इन दोनों फोन्स में से किस फोन के अंदर में हमको बेहतर बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग स्पीड हमको देखने को मिलेगा,
तो यहाँ पे अगर हम बात करें Redmi 12 5G फोन्स के बैटरी एंड चार्जिंग की, तो इस फोन के अंदर में आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है एंड इस फोन के बॉक्स के साथ आपको 22.5 वाट का अडेप्टर मिलता है, बट इस फोन के अंदर में चार्जिंग 18 वाट ही सपोर्ट करता है एंड इस फोन के अंदर में 4 नैनोमीटर बेस्ट यहाँ पे चिपसेट मिलता है। इस कारण से यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ 24 आवर्स प्लस आपको देखने को मिल जाएंगे एज ए एवरेज। बट वहीं पे अगर आप मोटो जी 14 फोन को देखते हो तो इस फोन के अंदर में आपको 5000 mAh का बैटरी स्टिल आपको देखने को मिलेगा एंड इस फोन के बॉक्स के साथ आपको 20 वाट का अडेप्टर मिलता है, बट इस फोन के अंदर में चार्जिंग जो सपोर्ट करता है वो 15 वाट ही करता है। यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ थोड़ा सा फास्ट ड्रैगन देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Redmi 12 5G फोन, क्योंकि इस फोन के अंदर में 12 नैनोमीटर बेस्ड यहाँ पे आपको चिपसेट देखने को मिलता है। देखिए बैटरी लाइफ ये पूरा डिपेंड करता है यूजर्स के ऊपर कि यूजर अपने फोन को किस तरह से यूज करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एज ए एवरेज आपको बताया है कि यहाँ पे मोटो जी 14 फोन के कंपेयर करते हैं अगर Redmi 12 5G फोन से, तो यहाँ पे Redmi 12 5G फोन के अंदर में आपको बैटरी लाइफ ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि इसका चिपसेट यहाँ पे 4 नैनोमीटर का है। इसका ऐसे यहाँ पे पावर कंजप्शन थोड़ा सा लो हो जाता है एंड यहाँ पे 12 नैनोमीटर बेस्ड है, इसका यहाँ पे आपको जो पावर कंजप्शन होगा वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों फोन के कैमरा के बीच कि दोनों फोन्स में से किसका कैमरा क्वालिटी हमको बेहतर देखने को मिलेगा, देखिए जो यहाँ पे Redmi 12 5G फोन है इस फोन के अंदर में आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और इसके अंदर जो 50 मेगापिक्सल कैमरा वो एक मेन वाइड एंगल कैमरा जो कि क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी बेस्ड है एंड यह कैमरा f/1.8 अपर्चर पे वर्क करता है एंड यहाँ पे जो 2 मेगापिक्सल का सपोर्टिंग कैमरा है वो एक डिफ कैमरा है जो कि f/1.4 अपर्चर पे वर्क करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का वही यहाँ पे आपको बेहतर देखने को मिलेगा, लेकिन जो 2 मेगापिक्सल का है वो एज ए सपोर्टिंग है तो वो जो उतना ज्यादा खास वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको जो क्वालिटी देखने को मिलेगा वो जो कि उतना बेहतर क्वालिटी नहीं देखने को मिलेगा इस कैमरा के साथ, एवरेज क्वालिटी देखने को मिलेगा एंड इस कैमरा से आप 1080p फुल एचडी वीडियो आराम से शूट कर पाओगे। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा मिलता है, इस सेल्फी कैमरा से भी आप 1080p फुल एचडी वीडियो शूट कर पाओगे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो इस फोन का कैमरा क्वालिटी है वो जो कि एज ए एवरेज ही आपको देखने को मिलेगा, बट वहीं पे अगर आप मोटो जी 14 फोन को देखते हो तो मोटो जी 14 फोन के अंदर में भी डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। जो 50 मेगापिक्सल कैमरा वो एक मेन वाइड एंगल क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी बेस्ट कैमरा है, यह भी कैमरा f/1.8 अपर्चर वर्क करता है एंड 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो एक मैक्रो लेंस कैमरा है एंड यह कैमरा f/1.4 अपर्चर वर्क करता है। तो इस फोन का भी जो कैमरा क्वालिटी है वो एज एवरेज ही आपको देखने मिलेगा एंड इस फोन से भी आप 1080p एट 30fps फ्रेम रेट पे फुल एचडी वीडियो शूट कर पाओगे। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में भी आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जो कि एक वाइड एंगल कैमरा है जो कि f/2.0 अपर्चर वर्क करता है एंड इस सेल्फी कैमरा से 1080p 30fps का फुल एचडी वीडियो शूट कर पाओगे। तो यहाँ पे भी आपको जो कैमरा क्वालिटी मिलता है वो एवरेज मिलता है, तो दोनों ही फोन्स का यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी है वो एज एवरेज मिलता है और इस बजट रेंज पे देखोगे तो इसी टाइप का आपको कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा को यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन ऑल ओवर कहा जाए तो क्वालिटी दोनों का यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी वीडियो क्वालिटी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैमरा यहाँ पे आपको ऑल ओवर कहा जाए तो एक्सेप्टेबल है, काफी अच्छा यहाँ पे दोनों के अंदर मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी जो है दोनों का एवरेज ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम कंपेयर करें दोनों फोन के एडिशनल फीचर से कि किस फोन में कितना हमको बेहतर एडिशनल फीचर मिलता है और किस फोन के अंदर हमको कितना कम एडिशनल फीचर देखने को मिलता है, तो अगर यहाँ पे हम बात करें Redmi 12 5G फोन की तो Redmi 12 5G फोन के अंदर में कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पे 5G डेटा नेटवर्क मिल जाएंगे, वाईफाई 5 सपोर्ट मिल जाएंगे, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, बट वहीं पे अगर हम देखते हैं मोटो जी 14 फोन को तो इस फोन के अंदर में आपको 4G डेटा नेटवर्क मिलेगा, वाईफाई 5 मिलेगा, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे वाईफाई और ब्लूटूथ तो सही है लेकिन इस फोन के अंदर में आपको 4G डेटा नेटवर्क मिलेगा, तो यहाँ पे जो फोन है ये 4G फोन है एंड Redmi 12 जो है वो एक 5G फोन है, तो यहाँ पे नेटवर्क में भी आपको बेहतर यहाँ पे Redmi 12 5G फोन में देखने को मिल जा रहा है। एंड कुछ और एडिशनल फीचर की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन के अंदर में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएंगे, आयर ब्लास्टर सेंसर आपको Redmi 12 5G फोन के अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही फोन के अंदर में आपको फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएंगे एंड दोनों ही फोन के अंदर में आपको
3 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर स्पीकर की अगर बात करें तो यहाँ पे Redmi 12 5G फोन के अंदर में आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है, बट यहाँ पे Moto Z 14 के अंदर में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है विथ डॉल्बी ऑटमो सपोर्ट के साथ। तो यहाँ पे स्पीकर के मामले में यहाँ पे मोटोरोला Moto Z 14 फोन के अंदर में काफी जबरदस्त देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Redmi 12 5G फोन। तो यहाँ पे Redmi 12 5G फोन के अंदर में स्पीकर के मामले में क्रॉस कटिंग किया गया है, लेकिन यहाँ पे मोटोरोला Moto Z 14 फोन के अंदर में आपको स्पीकर क्वालिटी काफी गर्दा लेवल का देखने को मिलेगा। तो गाइज ये था फुल डिटेल्स कंपैरिजन Redmi 12 5G फोन और Moto Z 14 फोन के बीच। अब यहाँ पे हम बात करें फाइनल रिजल्ट की कि दोनों फोन में से कौन सा फोन यहाँ पे बेहतर है, किस फोन के साथ हमको जाना चाहिए और दोनों फोन में से हमको कौन सा फोन को लेना चाहिए। तो अगर हम बात करें फाइनल रिजल्ट की, उससे पहले आपको स्क्रीन पे एक लिस्ट शो रहा होगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस फोन में क्या क्या यहाँ पे कमियां हैं। अब यहाँ पे हम बात करें अपना पर्सनल ओपिनियन और इस कंपेयर के दौरान जो भी मैंने चीजें देखा उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो विनर है वो है Redmi 12 5G फोन। तो गाइस आई होप कि आपको इन दोनों फोन्स के बीच जो भी कंफ्यूजन दो भी क्वेरीज थे आई होप कि सभी क्लियर हो गए होंगे और दोनों में से कौन सा फोन लेना है ये आप यहाँ पे क्लियर कर लिए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर भी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन हो तो आप भेजिए, कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, थोड़ा सा देर से देखने मिलेगा बट आपको रिप्लाई देखने को जरूर मिलेगा। तब तक के लिए गाइस गुड बाय।